ठीक है, अभी मन लगा कर ध्यान लगा कर सुनो, अभी सबसे मैं पूछूंगा आर्थ फायदा क्या है। ठीक है, ये भगवान खुद अपना नाम की महिमा ठाकुर स्वयं कहते हैं, इसलिए भगवान कहते बोले चेत दर्पण मार्जनम। पहला लाभ है, जैसे शीशा में अगर धूल जम जाएगी है, अगर शीशा में धूल जम जाएगी तो पर मुंह दिखेगी नहीं दिखेगी, पर क्या अगर धूल को हटा दो। अभी जैसे कपड़ा में गंदा हो गया, हम तो साबुन से साफ कर देते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो गंदा हो गया, पर वो धूल कैसे हटेगी? तो भगवान कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम। अगर भगवान के नाम जप करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 चित्तरूपी दर्पण साफ होते जाएगा। इसलिए कोई कोई कहते हैं ना, हम तो बहुत दिन से नाम कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, भगवान का नाम जप करके कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए गुरु जी से किसी ने प्रश्न किया, बोले गुरु जी माला जप करते करते ये काली हो गई है, लेकिन अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तब गुरुदेव कहते थे नहीं, ऐसे मत समझो, कुछ हो ही नहीं हो रहा है। तब गुरुदेव उदाहरण में देते थे, ध्यान देकर सुनो, गुरु जी क्या बोलते थे। गुरु जी बोलते थे, उदाहरण दिया, कोई एक किसान था, उसको 5 किलो गेहूं। अभी वो किसान ने 5 किलो गेहूं को पीस करके आटा बनाकर खाने के लिए जा रहा था। किसने कहा, भैया तेरे पास इतने जमीनी जगह पे है, ये 5 किलो गेहूं को तुम क्यों बर्बाद, क्यों पीस कर खा लोगे? अगर ये जमीनी में लगा लोगे ना, साल भर के लिए गेहूं की संग्रह हो जाएगी। बोले साल भर के लिए? बोले हाँ। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले ये गेहूं को लेकर खेती में लगा दो। तो उन्होंने बात सुन करके गेहूं को लिया और खेती में फेंक दिया। बोले बेटा बीच में जब पानी देना। जब उन्होंने पानी दिया, देखा कुछ दिन बाद में आप देखना, गेहूं से पहले अंकुर निकलता है ना धीरे धीरे, हाँ बाल निकलती, अंकुर निकलता है। कुछ दिन बाद में जा करके देखा खेती में कुछ नहीं, गेहूं कहीं कुछ नहीं, वहां पर तो केवल थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी घास है। वो रो पिट करके आया, भैया 5 किलो गेहूं खा लेता तो कुछ काम आता, तू बोल दो खेती में फेंक दो, कुछ नहीं वहां पर तो केवल हरी छोटी छोटी घास है। बोले बेटा कोई चिंता मत कर, बीच बीच में पानी देते रहना। जब पानी दिया कुछ दिन बाद में जाकर देखा, अरे गेहूं बड़ा हुआ। जब गेहूं बड़ा हुआ, फिर उन्होंने गया खेती में, देखा फिर पूरा जमीन घास, हरी हरी घास। फिर रो रो कर आया, बोले कुछ नहीं वो हरी हरी घास ही केवल दिखता है। बोले बेटा चिंता मत करो, बीच बीच में पानी दिया करो। पानी दिया तो कुछ दिन बाद में जाकर के देखा, आप देखना गेहूं आने से पहले, अब देखे वो गेहूं का पेड़, जब गेहूं आता है ना उसका पहले थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं पहले, तो वो बाल बाल निकला हुआ। फिर रो रो कर आया, बोले कुछ नहीं बाल ही बाल दिखता मुझे। बोले बेटा कोई चिंता मत करो, पानी देते रहना। जब सचमुच से कुछ दिन बाद में देखा, उसका जो खेती है ना, इतने बड़े बड़े शीशे से गेहूं का खेती देखा ना, शीशे शीशे से भरा हुआ, उसको चैन आई। बोले हाँ सचमुच से कुछ तो आया है, हैं? उसका तो तसल्ली मिल गया। हाँ तो जो बोल रहा था ना, हमने देखा खेती में पूरा शीशे शीशे भरा हुआ है। बोले बेटा चिंता मत करो, थोड़ी थोड़ी दम दम बीच बीच में सूख जाए तो पानी देना। जब पानी दिया कुछ दिन बाद में जाकर देखा, पूरा खेती खेती गेहूं गेहूं में भरा हुआ है, हैं? एकदम गेहूं गेहूं में भरा हुआ खेती खेती। बोले बेटा चिंता मत कर, कुछ दिन बाद में जो सूख जाएगी ना, पूरा काट करके ले आना। काट करके लाए ना, जो 5 किलो गेहूं था एक ट्रक बन गया। कितना बन गया? एक ट्रक। और एक ट्रक गेहूं पूरा साल भर के लिए खा करके भी बच गया। हाँ देखो हमारे गुरु जी कहते थे, तो गुरुदेव गुरुदेव कह जो माला दिए है, ये मत समझो इतना दिन हो गया गुरु जी माला दिए। बोले गुरु जी और कोई मंत्र है ना क्या, ये काम नहीं हो रहा है और कोई मंत्र? बोले महाप्रभु कहते हैं, यह जप किया सबे करिया निर्बंध, ये हरि नाम को ठीक ठीक से करो। कहते नाम के बाद खींच आएंगे, आखिर एक दिन श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम। कोई चिंता मत करो, गुरुदेव उदाहरण देते थे, बोले देखो तुम कहते हो इतना साल हो गया कुछ हो ही नहीं रहा है, तुमको पता है कृष्ण से कितना दिन तू भूले हुए, करोड़ों करोड़ों जन्म से भगवान से भूले हुए, एक जीवन से तू चाहते हो छलांग लगा दोगे, हैं? एक दिन से छलांग लगा दोगे? इसलिए कोई चिंता मत करो, खूब भगवान के नाम जप करते रहो। इन दोनों बच्चों को बताए अलग कर दो, बात नहीं सुनते। इसलिए
इसलिए क्या करो, हरि नाम को ठीक से हरि नाम को करते रहो है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हरि नाम करने का जो पहला फल है, धीरे धीरे तुम्हारी चित्त भी जो दर्पण है धीरे 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 साफ होती जाएगी, परिष्कार होती जाएगी। बोले दूसरा फल क्या है, बोले भव महादाग्नि निर्वापनम। देखो भगवान के नाम से क्या होता है, कहते भव महादाग्नि। दाग्नि मतलब क्या है, जैसे आग कहीं जंगल में आग लग जाए ना, पेड़ से पेड़ घिस करके जो आग लगती है वहाँ फायर ब्रिगेड भी कोई काम नहीं करती है, कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करती है। कहती जो संसार में जो हमारी आग लगी है, आग क्या है, हम लोग का आग लगता है, कहते ना कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पैसा से दुखी, दुखी दुखी ऊपर से बढ़िया दिख रहा है लेकिन अंदर में हमारे तो आग ही लगी हुई है। कहती आग कैसे बुझेगी, आग कैसे बुझेगी, भगवान कहते हैं बोले मेरे नाम को लो, मेरे नाम से ही पूरी आग बुझ जाएगी। बोले निर्वापनम, निर्वापनम मतलब होता है जैसे कहीं आग लग गई उसको बुझा दो, भैया दो बार तो आग लग सकती है हैं? लेकिन कहते अगर भगवान के तुम नाम जप करोगे ऐसे ये आग बुझ जाएगी, कभी जन्म जन्मांतर के लिए फिर आग दो बार नहीं पकड़ेगी। मतलब ये जो दुख कष्ट है चिरकाल के लिए तुम्हारी कष्ट खत्म हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी के देखो खुश, प्रभु की सेवा में नाम से खुश है, अपना भी दुख दूर करता है दुनिया का दुख दूर करता है। शंकर भी प्रभु का नाम जप करके अपना दुख दूर करते हैं दुनिया के दुख, माता जी भी माला जप करती है, माँ देवी अपना भी दुख गया दूसरों को दुख दूर करती है हैं? अगर भगवान के नाम जप कर दो दुख तुम्हारा तो जाएगा और सारा दुनिया के भी दुख को तू दूर कर सकते हो। इसलिए दूसरा लाभ है संसार का सारे दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, बोले तीसरा फल किया तो उन्होंने उदाहरण दिया है हैं? कहते एक श्रेय और एक प्रेय है। बोले भैया श्रेय और प्रेय किसको कहते हैं, बोले श्रेय होता है हैं? जो पहले तो कड़वी लगती है लेकिन बाद में जो मीठा होता है। कहते प्रेय किसको कहते हैं, बोले पहले तो बढ़िया लगता है लेकिन बाद में दुख होता है। जैसे समझो अच्छे तरह से इधर सुनो, जैसे अभी भगवान के नाम जप करने के लिए ना बोलो तेरा हरि नाम जप कर मन नहीं लगता, लेकिन टीवी तो दिन में उल्टा पुल्टा गर्दी फिल्म दिन दिन घंटा तक आप हार कर बढ़ जाओ उसमें कोई बोर नहीं लगता है, लेकिन भगवान के नाम जप करने के लिए बोलो अच्छी नहीं लगती, लेकिन टीवी देखने अच्छी लगती है लेकिन तेरा क्या लाभ उसमें, टीवी देखकर क्या लाभ तेरा होगा। झूठ मूठ का चीज को एक जो फिल्म बनाया वो सही है, ये झूठे चीज को एक रूपक दे दिया जिसको देख देख कर आंख भी फट जाएगी और देख करके अपना हृदय में भी भावना आएगी वो ऐसे कपड़ा पहने रहे हम भी ऐसे कपड़ा पहनेंगे, उसका इतने बढ़िया घर हम भी, ऐसे गाड़ी चल रहे हम भी, अरे भगवान जो दिया उसमें खुश रहो, हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ वही दिया ठाकुर जी उसमें ही खुश रहो हैं, उसमें ही प्रसन्न रह कर क्या करो। ब्रह्मा जी कहते हैं स्थानीय स्थिताम श्रुति गताम तनु बांग मनोवी। देखो ध्यान देख रहे सुनो, कभी कभी किसको भजन के लिए बोलो ना, बोले अभी क्या भजन करेंगे हैं? अभी बेटा बेटी की शादी हो जाए, बच्चों सबके टिकड़ा में लगा जाए, अपना सारे काम को निपटा करेंगे ना, निपटा करके भजन करेंगे। बोले काम निपटा हो ना खुद निपट जाओगे दुनिया में अभी तो कोई काम निपटा पाया, बोलो दुनिया की किसी का काम निपटा है, किसी का खुद निपट जाओगे काम नहीं निपटेगा तेरी हैं? काम निपटा करके भजन क्या करोगे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो अवस्था में तुम हो उसी अवस्था से प्रभु का भजन करना शुरू कर दो, आगे अगर प्रभु का अगर कभी भगवान का कृपा हो गया तो तभी तेरे काम निपटेगा। इसलिए कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, उनको कृपा से ही काम निपट सकते, तेरी कृपा से नहीं होगा, तेरी चेष्टा से नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं ना मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाओ और तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा हैं? इसलिए कहते हैं जो पहले तुमको कड़वी लगती है भजन करने के लिए अच्छा लगता है, माला जप करने के लिए नहीं अच्छा लगती है, बात करो चुगली करो निंदा करो बस बड़ी मन लग जाती है लेकिन भगवान की भजन की बात करो मन ही लगता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो तुमको अभी कड़वी लगती है ना भगवान का नाम, उदाहरण दिया जैसे किसको बुखार हो जाए
आप देखना उसको जो चीज खिलाओ ना वो कड़वी लगी। जैसे जंडिस का बीमारी हो गई, जंडिस का बीमारी हो गई, जंडिस का जो खाओगे तुम कड़वी लगेगी। डॉक्टर लोग पहले क्या बोलते थे, तो देखो ये तेरे को तो जंडिस है जो मिश्र तेरे को मीठा नहीं लगेगी, लेकिन मिश्र तो मीठा है ना, लेकिन तेरे को नहीं लगेगी। बोले क्यों, चूंकि तेरे को अभी जंडिस का बीमारी है। लेकिन ये मिश्र चुसते रहना, चुसते चुसते जब सारे बीमारी खत्म हो जाएगी ना, फिर इतने मीठा लग जाए मिश्र छूटेगी नहीं। कहते भगवान का नाम सबसे मीठा, लेकिन अभी मीठा नहीं लगता है, दुनिया की बात अभी मीठा लगती है। आज चुगली तो इतने मीठे लगती है, इससे बढ़िया तो जिंदगी में कोई चीज मीठी नहीं लगती है। हाँ बड़ो आनंद आवे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हरि नाम करने का जो तीसरा गुण है, हाँ क्या गुण है, उदाहरण दिया है जैसे चंद्रमा का किरण पड़ने पर रात में एक फूल खिलता है जिसको लीली कुमुदिनी कहते हैं, वो खिल जाती है। उसी तरह भगवान की नाम रूपी किरण जब हमारी हृदय रूपी कुमुदिनी में पड़ेगा, हमारी हृदय खिल जाएगा। हृदय तुम्हारी अभी होली के रसिया गा रहे थे ना, आनंद आ रहा था कि नहीं बोलो, बहुत आनंद। किसको किसको आनंद आ रहा था, हाथ उठाओ तो, सबका आनंद आ रहा था। बोले क्यों आनंद आ रहा था, चूंकि ठाकुर का भजन, ये ठाकुर जी का भजन, इसलिए इसमें इतना आनंद आ रहा था। इसलिए बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, बोले विद्या वधु जीवनम। बोले चौथा लाभ क्या है, उदाहरण दिया कि जो विद्या हम जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको बहु को साथ में उदाहरण दिया, विद्या एक है बहु, लेकिन ये विद्या का जीवन स्वरूप क्या है, बोले भगवान का नाम, ठाकुर जी की नाम है। इसका मतलब क्या, इतना पढ़ पता सुन तो उसका लाभ मिलेगा, इधर आ जा वहां क्या नाम, इधर आ इधर सुन, आज थोड़ी सी ज्ञान की बात पढ़े तो कम से कम तो भावना आएगी, हरे कृष्णा। इसलिए उदाहरण क्या दिया, विद्या वधु जीवनम, इसका मतलब है ये जो विद्या को एक बहु को साथ में उदाहरण दिया, ये विद्या रूपी बहु का जीवन क्या है, मतलब क्या, बोले तुमने जो लिखाई पढ़ाई की हो, इतना जो एमए पीएचडी डिग्री पिग्री कर ली हो, इसका जीवन क्या है, बोले भगवान का नाम। अगर तुमने सारे विद्या को पढ़ी है लेकिन भगवान के नाम में तुम्हारी कोई रुचि नहीं, वो विद्या बिता रहे, देखना मरते समय क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते बोलते ले जाएंगे ना। इसलिए एक बहुत बड़ा, ए बच्चा इधर बैठो, ए हीरो इधर बैठो, और भी एक और सब हीरो लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सब बच्चे, अंदर बॉडी में आया, चुपचाप बैठेंगे पर, इधर सुनो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, बाद में तुम दोनों को पूछूंगा मैंने क्या सुनाया, ठीक है, हरे कृष्णा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमने जो दोनों बच्चों को बैठा, इतना समय से बोल रहा हूँ, दोनों को दोनों बैठा दो, हरे कृष्णा। तो फिर उसको बोल दो क्यों छोड़ दिया, दोनों को अलग कर लो, एक को इधर ले लो, कोई एक को इधर ले लो, ये दोनों को अलग कर दो, इधर इधर आ जाओ, इसको पिताजी आप बस में बैठो, मेरे पास आ, हरे कृष्ण, ठीक आपके पास में नहीं बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो कहते हम जो विद्या पढ़ रहे हैं, कहते एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसका नाम था केशव काश्मीर, इसने माँ सरस्वती को पूजा की। जब सरस्वती प्रसन्न हो गई, बोले बेटा वर मांगो, बोले मेरे को ये दो वर, ये पृथ्वी में कोई मेरे को हरा नहीं सकते। पहले ऐसे होता था, हैं शास्त्रार्थ होता था, जो जिसको परास्त कर देता था उसकी अधीन बन जाते थे, उसकी अधीन बन जाते थे। बोले मेरे को ऐसे आशीर्वाद दो पृथ्वी में कोई मेरे को हरा नहीं सके। बोले ठीक है बेटा। जब वो बात करता था, माँ सरस्वती इसको जिह्वा में बैठ करके बात करती थी, और जहाँ सरस्वती उसको कौन हरा सकता है, सारा दुनिया को उसने हराया। जो बड़े बड़े पंडित हार गए ना, उसको चले बन गई, और जो वो चलता था हाथ को पीठी के ऊपर में, और कितने हाथी घोड़े और बैंड बड़ी बजा बजती थी, ए धूम घर के काजे बाजे को साथ में चलता था। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में उसने आए, महाप्रभु ने उन्होंने बात बात में उनको परास्त कर दिया। जब परास्त कर दिया वो तो बड़े दुखी हो गए,
बोले अगर कोई मेरे को बड़े विद्वान कोई अगर परास्त करता तो कोई बात हो जाता, लेकिन एक साधारण बालक 15-16 साल का बालक में इतना बड़ा विद्वान मेरे को परास्त कैसे कर दिया है। तो उन्होंने माँ सरस्वती को मंत्र जप करते करते सो गए। देखो सरस्वती स्वयं क्या कहती है, सरस्वती कहती है देख बेटा आज तेरा विद्या पढ़ना सार्थकता तो बच्चे को बेटा इसलिए आज तुम्हारी विद्या पढ़ना सार्थकता हो गया। बोले क्यों, सरस्वती खुद कहती है मेरी दो तरह का कृपा है, पहला नंबर कृपा है जिसको ऊपर मैं कृपा नहीं करती हूँ ये जगत का कुछ डिग्री दे देता हूँ, MA, PhD, डॉक्टर इंजीनियर बना देता हूँ, लेकिन बना करके क्या करती हूँ दिन रात उसको संसार रूपी चक्की में पीसता रहता हूँ। बताओ एक व्यक्ति MA, PhD, डॉक्टर कर क्या करते हो बताओ, जैसे देखना घोसले से देखना जैसे घोसले से चिड़िया निकलता है सवेरे और सारा दिन खा पी करके फिर शाम को आकर घोसले में सो जाता है, देखना ठीक हम भी दिन भर यही कर रहे हैं, सवेरे से गए दिन भर काम किया 15-20-25 साल तक पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करते हुए किसी तरह से कोई एक नौकरी भी कर लिया, नौकरी करते हुए पैसा कमाए, दिन भर गए 8-10 घंटा काम किया, घर में आकर के थोड़ी टीवी देख कर खा गए, फिर सवेरे चल गए, फिर आकर के सो गए। एक ऑफिस में एक व्यक्ति को एक व्यक्ति ने पूछा भैया तेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, तेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, तो मेरी तरफ में देखो वो क्या कहता है, मेरे जो बेटा है ना इतना बड़ा हो गया, दिख रहे मेरी तरफ, बोले मेरे बेटा इतना बड़ा हो गया, बोले इतना बड़ा हो गया मतलब क्या है, हम कहते हैं ना बेटा इतना बड़ा हो गया इतना बड़ा हो गया, लेकिन वो क्या कहता है मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, बोले भैया इतना बड़ा हो गया मतलब क्या, बोले और क्या, मैं दिन भर काम करते करते जब रात को पहुंचता हूँ देखता हूँ बेटा को सोता हुआ, जब सवेरे से काम के लिए निकलता हूँ देखता हूँ बेटा तभी सोया हुआ है, मैं कभी बच्चे को खेलते हुए देखा ही नहीं, वो काम में जब जाता हूँ बेटा सोया हुआ होता है, जब काम से आता हूँ देखता हूँ बेटा सोया हुआ, तो इतना बड़ा बताऊंगा, इतना बड़ा नहीं बताऊंगा तो इतना बड़ा बताऊंगा, इसलिए मैं क्या इतना बड़ा बताऊंगा मैं देखा ही नहीं, इसलिए वो कहता है यहाँ पर सरस्वती कहती है मैं जिसको कृपा नहीं करती हूँ ये जगत का कुछ डिगिर देकर दिन भर संसार की चक्की में पीसता रहता हूँ संसार में, लेकिन मैं जिसको ऊपर सही कृपा करती हूँ उसका मैं भगवान तक पहुंचा देता हूँ। ये जो विद्या पढ़ते है ना, विद्या मतलब क्या है, बीत मतलब जानना, मतलब किसको जानना, मतलब भगवान को जानना है, इसलिए माँ सरस्वती बोली देखो आज तेरे ऊपर सही कृपा हुई, आज जिससे तू मिले है ना वो मेरे पति है, ये गौरव नारायण है बेटा, जाओ उनके चरण में शरणागत हो जाओ। लेकिन जब फिर महाप्रभु के पास में गए देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले विद्या पढ़े के ना, बोले क्यों विद्या पढ़ती है लोग, विद्या पढ़ कृष्ण भक्ति जानी वाले, बोले भगवान की भक्ति को जानने के लिए ही लोग विद्या पढ़ते है, कभी ये देह छाड़िया चली ले जब ये शरीर छूट जाती है कभी ये विद्या भी पौरुष सत्य की छू ही नहीं चले, तुम्हारी जितने डिग्री बिग्री यही रह जाएगी, कोई डिग्री काम नहीं करेगा, कितने लोग लिखा पढ़ा किए हो स्कूल में हाथ उठाओ, तो कितने व्यक्ति स्कूल में हाथ लिखे पढ़े किए हो हाथ उठाओ, कौन कौन लिखा पढ़ा कर रहे हो, आप देखना जो संसार में आप लोग लिखा पढ़ा किए हो ध्यान देकर सुनो, जब पढ़ते हो तुमको क्या कहते हैं, बोले बेटा क्लास 5 आ गया, अगर इसमें बढ़िया मार्क आ गया ना बाल जिंदगी बन जाएगा, बच्चा किसी तरह से क्लास 5 को पास कर लेता है, बोले भैया दुनिया पास करता है जो 10th आता है ना, कहते भैया ये 10th बोर्ड का परीक्षा उसको अच्छे तरह से पढ़ाई करो बस, अभी किसी तरह से दिन रात बराबर करके बच्चा क्लास 10th को पास कर लेता है, बोले सारा दुनिया करता है तुमने क्या किया, लेकिन जब 12th आता है ना कहते भैया ये सबसे ज्यादा बढ़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बाद में फिर टपी कौन सा लोगे फिर पता चलेगा तुम्हें, इसलिए 12th हो किसी तरह से कर दो, बट पढ़े हम लोग पढ़े है ना, जब क्लास 12 कर लिया अच्छे मार्क ले आए फिर क्या कहते, बोले सारा दुनिया करना है तुमने क्या किया, कौन सा बड़ी बात थी, अभी तो कोई सब्जेक्ट पढ़ो इंजीनियर डॉक्टर साइंस जो कुछ लेते हो किसी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ो, अभी माने इंजीनियर नहीं तो तुमने कोई साइंस पढ़ लिया कोई सब्जेक्ट तुमने कर लिया, बोले सारा दुनिया करता है तुमने क्या किया, अरे नौकरी तो तुम तो किसी ने इतना पढ़ा लिया
फिर वो नौकरी ढूंढता है। देखो ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। अभी नौकरी ढूंढता है, जब नौकरी ढूंढा बोले किस लिए सब नौकरी नौकरी पढ़ाई किस लिए किया? अभी बहुत शादी के लिए तो किया है ना, बढ़िया किसी घर में तुम्हारी शादी शुदा हो जाए, इसलिए तो तुमने सब पढ़ाई लिखाई किए। अब तो शादी शुदा कर, अभी शादी हो गया, जब शादी हो गया उसकी बोले दुनिया शादी करता है, तुमने क्या शादी की? बच्चे जन्म दे, बच्चे जन्म दो, बच्चा जन्म दे, बोले दुनिया बच्चे देता है, तुमने कौन सा बड़ी बात क्या किया? बच्चों को बड़ा बनाओ, बच्चे को बड़ा बनाओ। अभी बच्चे को बड़ा बना दिया, बोले उसका भी शादी करवाओ। आप ऐसे करते 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 जब जिंदगी खत्म हो जाती है, देखना जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं, जब चार व्यक्ति उसको कंधे पर ले जाते हैं, क्या सुनाते सुनाते ले जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल सत्य है, सब कोई बात झूठा ही बोलते ना। देखो इसको ध्यान सुनो, उसको क्या बोल रहे हैं? अभी तक तेरे को जो बताया क्लास फाइव पढ़ो बढ़िया से, ये झूठा मैंने कहा था। जो कहा था टेंथ करो ये भी झूठा तुमको बताया था, जो ट्वेल्व करो ये भी तेरे को झूठा बताया था, जो साइंस सीए बाप इंजीनियर ये भी झूठा बताया था, नौकरी करो तेरे को झूठा बताया था, शादी करो तेरे को झूठा बताया था, संसार करो तेरे को सब झूठा बताया, असली ज्ञान तुमको दे रहा हूँ सुन ले। बोले क्या है? बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने राम और कृष्ण का नाम लिया ना केवल यही सच्चा है, और तुमने जो डिग्री डिग्री किया है ना सब यही रख करके जा रहे हो। अरे सत्य बोलो, अगर तुमने प्रभु का नाम लिया तभी तो तुम्हारी कोई गति, नहीं तो जीवन में कोई तुम्हारी गति नहीं। अभी असली मंत्र तेरे को दे, असली मंत्र। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विद्या बधू जीवनम, हरिनाम करने का चौथा फल है ये विद्या रूपी जो बधु, इसका जीवन क्या है? बोले भगवान नाम है। अगर भगवान के नाम नहीं दिया तो तुम्हारी विद्या विद्या सब बेकार है। उसको बाद में बोले आनंदाम बुद्धि वर्धनम, कहते भगवान के नाम कैसे हैं? हर समय तुमको आनंद रूपी जो समुद्र हर समय बढ़ती रहेगी, लेकिन ये दुनिया की आनंद देखो कभी बढ़ती नहीं है। दुनिया की हर आनंदों को देखना घटती है। जैसे शादी की है, कौन कौन शादी की है? पहले जब कोई व्यक्ति शादी करता है ना, वो पहले सोचता है आकाश में एक चंद्रमा और मेरे पास में और एक चंद्रमा है, मेरे पास में एक चंद्रमा। पहले तो चंद्रमुखी पत्नी लगती है, देखना वही चंद्रमुखी पत्नी कुछ दिन बाद में फिर तो सूरजमुखी बन जाती है, उसको बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा अशांति। अगर ज्यादा अगर कुछ हो गया ना, कहते ना आई लव यू, फिर आई लीव यू, फिर आई किल यू, फिर जाकर कोर्ट में जाकर के डाइवोर्स करने के लिए कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते। अरे पहले तो वही तो चंद्रमुखी लगती थी, फिर घट गई, घट गई हो। ये जगत का कोई भी बेटा नहीं बेटा नहीं, पागल हो जाते हैं, बेटा नहीं बेटा नहीं। लेकिन जो बेटा बढ़कर बात नहीं सुनता है, जो जिंदगी भर बेटे को बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया इतना किया, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, पता नहीं पत्नी एक रात में क्या मंत्र देती है, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब, फिर वो सोचती है बेटे को जन्म क्यों दिया। आप देखना ये संसार का कोई भी चीज देख लो, जैसे सिनेमा के देखे हो, बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आया, पहले देखो क्या सुंदर क्या फिल्म है, बहुत बढ़िया। दो बार देख लो, हाँ ठीक है। तीसरा बार, हाँ ठीक है। चौथा बार अगर बैठ ही गए ना, पंचम बार बैठ नहीं सकते, वहां पर देख नहीं सकती वो चीज को। ये जगत का कोई भी आनंद को देखो कभी बढ़ते हुए नहीं देखोगे। जैसे जैसे भगवान का नाम करते हो, ठाकुर को दर्शन करते हो, जैसे घर में कोई रामायण पढ़ते होगे, कोई ठाकुर को कुछ सेवा, अभी तक वो पुराना कभी तुमको लगती है? ठाकुर दर्शन जब करती हो कहीं पुराना लगती है? ठाकुर का नाम कीर्तन कहीं पुराना नहीं लगती है। केवल भगवान के नाम ही ऐसी चीज है जो कभी पुरानी नहीं होती है, हर समय तुमको नई नई। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं जब तुम मेरे नाम जप करोगे ना, हनुमान दिन भर क्या करते हैं? कोई भी जगत में कोई चीज को अब ज्यादा थोड़ी देख खा लो, कोई चीज को नहीं तो कोई चीज को ज्यादा देख लो ना, अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, 24 घंटा। तुम लोग भी हरिनाम करती होगी,
दिन भर हम अलग अलग हरि का हरि का नाम कर रहे हो ना, फिर ना भगवान के नाम क्यों? भगवान में अथा समुद्र, प्रेम की समुद्र भगवान, उन पर नाम में कभी बोर नहीं होते, भगवान के नाम कभी अरुचि नहीं होती है। जितने प्रभु का नाम लो उतना आनंद आनंद रस। इसलिए कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, भगवान का नाम में हर समय नई 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 लगती है, हैं नई नई लगती है। और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन संपूर्ण कृष्ण भक्ति रस में सराबर हो जाओगे, भक्ति रस में डूब जाओगे भगवान का नाम लोगे तो। इसलिए कहते भगवान के नाम में इतना आनंद। इसलिए क्या करना, भगवान की नाम को जप करो। ठीक है बच्चों, ए हीरो साहब क्या करना बच्चों, भगवान की इस घर में जो बच्चे हैं नाम जप करते हो? कौन करता है हाथ उठा तो बच्चों को? वाह बहुत अच्छी बात। और कौन करता है नहीं हाथ उठा? इसलिए सबके साथ देखो बच्चे, सबके साथ तुम लोग बड़े भाग्यवान हो जो कि भक्त घर में, तुम लोग भक्त घर में जन्म हुए हो। भक्त घर में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है, जो कि तुम्हारी पिताजी भक्ति करते हैं, मैया करती है, तुम्हारे दादा दादी भी भक्ति करते हैं। बड़े भाग्य से किसको ये भक्त घर में जन्म होता है, साधारण भाग्य से नहीं होते। इसलिए अगर ये चीज को तुम जीवन में अपनाओगे देखना, जीवन में इसी से ही शांति मिलेगी। दुनिया में कोई चीज जगत में तुम्हें शांति नहीं दे सकती, वो थोड़ी समय के लिए देगा, बाद में फिर उधर अशांति का कारण बनता है। लेकिन भगवान की नाम ही ऐसे की चीज है जो जीवन में हमें शांति सुख देता है। देखो हम लोग सब हिंदू घर में जन्म लिए, कौन से घर में हिंदू जन्म हुए? इसलिए हमारे गुरु जी को किसने बोला, गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, घर घर कहानी देखना ही, बच्चे बात नहीं सुनते। देखो हमारे गुरु जी ने क्या बताया, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ेगा, उसका तो गति सही होगी। कहां पर बताया गया पिता माता की सेवा करनी चाहिए, सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छुओ, कहां बताया? कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होती है चीज की? नहीं, ये रामायण सिखाता है। प्रात उठाई रघुनाथा, मात पीत गुरु न महिमाता, ये ठाकुर स्वयं रामलीला देखे है ना, भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरण छूते थे, देखे कि नहीं? जब दशरथ महाराज सैनिक किए हुए, राम स्वयं पिताजी के चरण पड़ते, भगवान होकर पिताजी की चरण की सेवा करते हैं। और उन्होंने भगवान होकर क्या किया, उन्होंने 14 साल के लिए उन्होंने वनवास गए, गए कि नहीं? रामायण देखे हो? अभी बच्चे को बोल दो, भगवान तो 14 साल के लिए वनवास गए, अभी तुम्हारी अपना बच्चों को बोलो बेटा 14 दिन के लिए मेरा आदेश करा, पालन करके उस जगह पर चले जाओ। देखना घूमने के लिए तो 14 दिन जा सकता है, लेकिन पिता माता अगर बोले 14 दिन के लिए, वो करेगा? कौन ऐसे बच्चा जो पिता के आदेश पालन करने के लिए 14 दिन के लिए बोले चले जाए, कहीं जा सकता है? नहीं। इसलिए गुरु जी कहते थे खुद तो रामायण पढ़ाई नहीं, बच्चों को रामायण पढ़ा दी, स्मार्टफोन पकड़ा दिया, ले स्मार्टफोन ले ले, पबजी देख दी बार, उसका जीवन को बर्बाद करने के लिए तुम तो दे दिया क्या, स्मार्टफोन पकड़ा दिया। लेकिन उसको कहीं भजने के बाद बताए, अब देखना मुसलमान लोग को देखना, शुक्रवार होता है ना, अब देखे ना रोड बंद कर देते पूरा, अपना छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना कर ले जाते, देखे हो टोपी मेन रोड में बैठा कर उनको नमाज पढ़ाते। बताओ हिंदू में इसे कौन सा पिता माता बच्चों को कहता है तुम भगवान की किताब पढ़ो, रामायण पढ़ो, नहीं तो भगवान की माला जप करो? कोई बोलते नहीं। हमारे बच्चे इतने क्यों बिगड़ रहे? इसलिए तो बिगड़ रहे ना। हमने एक ओल्ड हाउस में गए थे, वहां पर देखा बहुत लोग ओल्ड हाउस में है, लेकिन सारे हिंदुओं को देखा, किसी मुसलमान को नहीं देखा। और जो हिंदुओं को देखा ना करोड़ों करोड़ों बच्चे, मैंने कहा भैया बात किया, बोले हमारा तो किसने बोला 5 गज की कोठी, किसने बोला 1000 गज की कोठी, बोले क्या है, बोले घर में इतने लड़ाई झगड़े गो को साथ में हुई, हमने सोचा अच्छा है जाकर ओल्ड हाउस में जाकर जीवन बिता दे। क्यों? बच्चों को भक्ति के संस्कार नहीं देते, सारा दुनिया की पढ़ो पढ़ो, बच्चे इतने लिखा पढ़ा सीख जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं ना, बोले तू क्या पढ़ी लिखी, हम इंजीनियर डॉक्टर किया तो बेकूफ हो, उसको गाली बकने के लिए तो पढ़ा सकती हो, लेकिन अगर बोले नहीं उसका तरफ भजन कर सिखा दो, भक्ति की रामायण गीता के संस्कार को नहीं, तब बच्चे हमें अनादर करेंगे कि आदर करेंगे हमें? अगर चाहते हो हमारे बच्चे हमें आदर करें,
पिता माता की सेवा करे, क्या करो, भक्ति के संस्कार डालो उनको ऊपर में, भक्ति की संस्कार डालो। हम जाकर किसी मुसलमान बच्चे को पूछो कुरान बोलो, मैंने किसी 10 साल बच्चे को मैंने बोला कुरान बताओ तो वो छटा जटो कुरान बोले। हमारे हिंदू बच्चों को बोलो कोई गीता का श्लोक बोलते, रामायण का कोई चौपाई कोई बोल सकता है? नहीं, सारे हीरो हीरोइन का नाम याद करके बैठे हुए, सारे उल्टा पुलटा चीज को सब याद करके बैठे। तो संस्कार कहां से बनेगा बच्चों, कहां संस्कार बनेगा? अगर चाहते हो हमारी संस्कृति रक्षा हो, घर में शांति सुख हो, बेटा जैसे राम हो, सीता जैसे बहु हो, लव कुश जैसे बच्चे हो, लव कुश जैसे, अरे वो क्या हो जाएगा? अयोध्या। क्या है? अयोध्या। अयोध्या मतलब कहां? जहां युद्ध नहीं होता है, अवध, जहां पर वध नहीं होता है, मरते नहीं। कब हमारी घर अयोध्या बनेगा? राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहु हो, लव कुश जैसे बेटे हो, बस। और घर में रामायण की पुस्तक हो, अरे घर में सब जैसे रामायण पढ़े, क्या पढ़े? रामायण पढ़े, गीता पढ़े, देखना तुम्हारे घर ही अयोध्या बन जाएगी। घर सख्या बता रहे थे ना, जिस घर में भगवान की सेवा पूजा हो वही घर वृंदावन धाम बन जाता है। क्या बन जाता है? वृंदावन धाम, ठीक है ना। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो, संस्कार नहीं बोले पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। हम मैंने किसी को कहा इधर सुनो ये बात, किसी मैंने कहा भैया बच्चों को बोलो थोड़ा रामायण पढ़े एक माला करके, बोले बच्चे बात नहीं सुनते। मैंने कहा बच्चे को जोर जबरदस्ती स्कूल भेजता कि नहीं बता? स्कूल भेजता नहीं जोर जबरदस्ती। सवेरे अगर 6 बजे आएंगे ना गाड़ी आएगी तो 5 बजे उठाते, नहा धुला करके रास्ता में बिजली तक खड़े कर देते बच्चे को। अरे बच्चे को जब बच्चे कहाँ बिगड़ता है बताओ? अपना घर में कोई बच्चा बिगड़ता है ना, स्कूल कॉलेज में बिगड़ता है, बोलो? कोई पिता माता कहते सिगरेट फूंक शराब पी, कोई बोलता है? कहाँ बिगड़ते हैं वो? कॉलेज स्कूल में जाकर बिगड़ते हैं, घर में कोई बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। पिता माता अच्छी शिक्षा देते हैं और बिगड़ते हैं वहीं पर। तो बिगड़ने के लिए तो भेज सकते हो और सुधरने के लिए कुछ नहीं कर सकते। घर में ये नियम बनाओ, जब तक एक माला नहीं करो खाना नहीं बनेगा तुमको, खाना नहीं मिलेगी तुमको। एक माला कर, ज्यादा बोलेगा थप्पड़ मार के, बस बैठ बैठ करके माला जप करो। और रामायण पढ़ रही थे गीता थोड़ी पढ़ो। मोदी का नाम सुने हो? मोदी अब जिस देश में जाता है ना उसको गीता देता है, हर देश में वो गीता दे रहा है। गीता की इतने महत्व है, देखो गीता क्या महत्व, देखो सुन लो, ये अमेरिका की सच घटना है। बोले एक समय एक व्यक्ति अमेरिका में इतने डिप्रेशन में आ गया, उसने सोचा मैं आत्महत्या करूंगा, इतने डिप्रेशन में आ गया। और अमेरिका में तो बड़ा गड़बड़ी है, हमको लगता है अमेरिका बड़े चमक धमक और बड़ा चकाचौंध है, ऊपर जितने चकाचौंध है ना, कहते ना 70% लोग देखो डिप्रेशन में, जब तो गोली नहीं खाते उनको नींद नहीं आती, वहां पर कितने अकेला पड़े हैं। मैं न्यूजीलैंड गया था एक समय, समुद्र किनारे में घूम रहा था, हर व्यक्तियों के पास में दो दो तीन तीन कुत्ते देखा। मेरे पास एक गुजराती व्यक्ति थे जिसको घर में गया था, बोले भैया सबको साथ में कुत्ते क्यों? बोले महाराज जी ये कुत्ते के नाम पर हजार हजार यूरो डॉलर जमा हुआ है। बोले क्यों? बोले पत्नी में विश्वास नहीं है, कब छोड़कर चली जाएगी, लेकिन कब से कुत्ता तो नहीं जाएगा। वो कल्चर वहां पर है, वो सब कल्चर वहां पर सब, वो सब कल्चर है। हमारे तो भारत में तुम लोग बच्चे हुए हो, जो कि वो लोग हमारे मंदिर में आते हैं ना, तो भाई लड़कियां आई है ये विदेश से रशिया से आई है, ये लोग जब देखते हैं आपको शादी कितना साल हो गया रह रहे हो, बोले 20 साल 25 साल, बोले अभी तक बोर नहीं हुए हो? इनको बड़े आश्चर्य लगता है अभी तक बोर नहीं हुए, एक को साथ में रह रहे हो, ये कब छोड़ेंगे कब पकड़ेंगे ना, कभी ठीक नहीं है। इसलिए एक समय एक व्यक्ति बड़ा डिप्रेशन में, बड़े अकेला बने, पति पत्नी अगर होटल जाएंगे ना, पति अलग पैसा देगा पत्नी अलग पैसा दे, पैसा से कोई तेरा कोई मतलब नहीं, मैं विदेश जाता हूँ जानता हूँ सर। इसलिए वो इतने डिप्रेशन में आ गया, सुसाइड कर दिया, प्राण ऑलरेडी पंखे में रस्सी लगा दिया, वो सोच रहा है पंखे में अभी झूल करके मरूंगा। एक बार क्या हुआ था, इस्कॉन का नाम सुने हो? एक बार अमेरिका में, ये अमेरिका घटना, एक समय इस्कॉन में जो गीता जयंती आती है ना, वो गीता जयंती पे गीता प्रचार करते, वो 8-10 व्यक्ति लाइन में खड़े थे। तो इतने में वो एक व्यक्ति एरोप्लेन से उतरा तो बोले भैया गीता लो, गीता लेकिन थोड़ी दूर, लेकिन 8-10 लोग थे और थोड़ी दूर गए गीता, बोले क्या गीता गीता, लेकिन 8-10 खड़े हुए, बोले कितने को बोले गीता गीता। उसने सोचा
ये तो बेकार का चीज है, ले लो $5 दिया और एक किताब को लेकर किया कि ड्रम में रख दिया, मतलब बेकार चीज को पढ़ कर क्या होगा, ये तो कोई काम की नहीं बेकार चीज है। एक दिन वो व्यक्ति इतने डिप्रेशन में अभी आया सुइसाइड करने, ऑलरेडी पंखे में रस्सी लगा चुका है, अभी तो मरेगा, लेकिन हठात उसने किया कि देखो एक गीता ले लिया, तो गीता कौन है, साक्षात कृष्ण की वाणी है। वो ड्रम को खोलते ही वो जिसने बंदूक जिसमें ये था ना कुछ निकालना, उसका हाथ में आ गया गीता। जब गीता आ गई वो फांसी झूलेगा क्या, गीता जब आ गई बोले भैया देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ। देखो उसने जब गीता को खोली, पहले जब खोल दी उसको हठात पड़ा कृष्ण अर्जुन के कह रहे, बोले अर्जुन कहते दो तरह का आनंद है, एक स्पिरिचुअल आनंद है और एक मेटेरियल आनंद है। जो मेटेरियल आनंद है, जो संसार का जो आनंद है, वो हर समय ये धीरे 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 घटती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल जो भक्ति का आनंद है वो कभी घटती नहीं, ये आनंद बढ़ती है। तो उन्होंने समझा रहे बोले क्यों ऐसे क्यों, बोले कारण है कि जो संसार की जो आनंद है मेटेरियल आनंद, ये शरीर को लेकर गए, शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है। ये शरीर कैसे, जैसे हमने एक नया कपड़ा पहना, जब ये फट जाती है पुरानी हो जाती है हम उसको छोड़ करके फिर एक नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह ही जो शरीर है एक कपड़ा है, लेकिन हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम ये आत्मा है, लेकिन ये आत्मा नित्य शाश्वत है। ये जो आत्मा की जो शांति है ये सही शांति है। तब उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया, आप भी समझो बच्चे अच्छे तरह समझो, जैसे एक पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता है, लेकिन हम ये तोता को खाना नहीं दे रहे हैं, तीन बार ये पिंजरा को पेंटिंग करते हैं, बताओ वो तोता जिंदा रहेगा कि नहीं, बोलो मर जाएगी ना। कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन, उसी तरह हम ये बड्डी नहीं, हम ये बड्डी नहीं, हम कौन है, हम ये आत्मा, ये हम आत्मा, ये शरीर को जीव में ले जा रहे हैं। कितना करते हो आप बताओ, कितना, दो दो घंटा देते होंगे उसमें, हाँ चार पांच घंटा देते होंगे, फिर शरीर को ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, उसको सजाते हैं, हैं? लेकिन उसको अंदर में जो तोता बैठा हुआ ना, जो आत्मा जिसकी वजह से शरीर है, अगर तोता निकल गया ना इस शरीर को एक घंटा भी रहने में नहीं दे गए, निकालो इसको घर से इसको निकालो। इसलिए यहाँ पर कृष्ण समझा रहे बोले हे अर्जुन, अगर तुम वास्तव में शांति चाहते हो क्या करो, वो आत्मा को प्रेम करो। वो आत्मा कौन है, वो परमात्मा की अंश, भगवान की अंश छोड़ दो, इसलिए ये परमात्मा की ये अंश, आत्मा को अगर आनंद दोगे ना वो सही आनंद है। और वो आत्मा का खुराक किया है, शरीर को तो रोज रोटी सब्जी खिलाते हो, आत्मा को खुराक किया भगवान की नाम, ठाकुर जी की। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो, जो उन्होंने गीता को श्लोक पढ़ाया ना, वो सुइसाइड करने जा रहा था, वो सुइसाइड क्या करेगा, वो रात भर गीता पढ़ा, रात गीता पढ़ी सुइसाइड छोड़ दिया, फिर उसने एक नया ज्ञान उसको प्राप्त हुई, नया ज्ञान, बोले भैया गिरफ्तार आई कहाँ से, तो उसमें नंबर था, इसको उनका नंबर था, उनने कॉल किया, इनका सेंटर कहाँ पर, कॉल किया, बोले ये गीता आपकी है, बोले हाँ, बोले आपका ये कहाँ रहते, बोले अमुक स्थान पर, बोले मैं सवेरे मिलने आ सकता हूँ, बोले आ जाओ। जब सवेरे उसने गया मिला उन भक्तों लोग से अमेरिका में, उन्होंने बताया सारे संसार की बात बताई, हमें शांति क्यों नहीं मिल रही, हमें सुख क्यों नहीं मिल रहे, फिर उन्होंने समझाया, देखो हम सब भगवान के संतान हैं, उनके बच्चे हैं, जब तक तुम उनकी भक्ति नहीं करोगे ये संसार का कोई भी वस्तु तुम्हें सुख नहीं दे सकता, क्यों, ये अनित्य वस्तु है, ये अनित्य वस्तु, ये कभी नित्य सा है, उस अभी भी ना, अभी वो संत बने, अभी सन्यासी है, इसकोन में हमारे जैसे ना वो सन्यासी, त्रिदंड सन्यासी, अभी वो गीता की प्रचार, सारा दुनिया में गीता की प्रचार, पृथ्वी में गीता की प्रचार कर रहे, कभी गीता की एक श्लोक ने मेरे को सुइसाइड से बचा लिया, समझ रहे हो कि नहीं, क्या करो गीता को, गीता का एक एक श्लोक पढ़ो, और उसका व्याख्या भी है तुम्हारे पास में, स्वामी महाराज इस्कोन का गीता है, क्या करो 5-10 मिनट लगेगा, कितना लगेगा बच्चों, पढ़ना एक एक गीता के श्लोक, ठीक है, एक श्लोक गीता पढ़ना और एक उसकी व्याख्या पढ़ना, 5-10 मिनट लगेगा, ज्यादा समय नहीं,
आप देखना वही उसी सही तुम्हें असली ज्ञान मिलेगी और उसी से ही असली तुम्हें शांति मिलेगी। ठीक है बच्चों, और सवेरे जब तक एक माला नहीं करोगे माता जी को भोजन नहीं मांगना। माताओं जितने बैठे हो माताएं सबके सब बच्चे जब आएंगे खाना खाने के लिए भोजन करने के लिए बोलना बच्चों एक माला किए हो। देख लो इधर मेरे तरफ पर देखो ये माला कैसे जप करोगे। जैसे ये जो अंगुल को हम इसमें नहीं टच कराते क्योंकि ये गंदा अंगुल, हम कहते ना तेरे को देख लूंगा सबसे पहले कौन निकलता है, ये अंगुल निकलता है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल कर रखते हैं और इसको बीच बीच अंगुल को पर रखते हैं। रख करके जैसे हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोल देते ना एक मोती सरकाते हैं, फिर दो बार बोल कर दो मोती सरकाते हैं, तीसरा मोती सरकाते हैं और यहाँ पर जब खत्म हो जाएगा इसको पार नहीं करते हैं, फिर इसे घुमा देते हैं। ठीक है बच्चों, 10 मिनट लगेगा एक माला करने के लिए। देखो जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या नहीं होता है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, देखना एक माला करो अपनी आप पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में अपनी आप मन लगेगा। जिन बच्चों को पढ़ाई में अच्छा नंबर नहीं आता है भगवान का नाम जप कर देखो क्यों पढ़ाई में मन लगता है, इस चीज को समझ लो। इसमें तीन नाम है, हरे हरे मतलब क्या हमारी सारे दुखों कष्टों को जो हर ले, इधर सुनो तू इधर सुन इधर, हरे मतलब होता है हमारी सारे दुखों कष्टों को जो हर ले, कृष्ण मतलब क्री मतलब होता है मन हमारी भटकता है इधर उधर मन स्थिर नहीं, क्री मतलब होता है आकर्षण करना मतलब अपना तरफ में खींचना, और स्ना मतलब होता है आनंद देना। जो कृष्ण बोलोगे तो ये भटकता हुआ मन भटकेगा नहीं और आनंद देगा, और राम मतलब होता है जीवन में माता जी वहीं पर बैठे, राम मतलब होता है जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में जो हमें आराम दे। अगर भगवान का नाम करेंगे तो ये तीन फल मिलेगा, क्या होगा पहला फल किया दुख कष्ट दूर जाएगी, दूसरा फल किया जो भटकता हुआ मन भटकेगा नहीं, और जो तीसरा फल है जीवन में हमें जो आराम देगा। ठीक है ना, अगर ये भगवान के नाम करोगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, तुम लोग देख लेना जिनकी पढ़ाई पढ़ाई में मन नहीं लगता ना इधर उधर मन भटकती है उनको माला जप कराओ देखना क्लास में फर्स्ट आओगे पहले। ठीक है बच्चों, सबके सब जब तक एक जितने माताएं बैठी हो जितने माताएं बैठी हो बच्चों को क्या बोलना एक एक माला जप करो, लेकिन जब तुम करोगे तब तो सब बच्चे तो करेंगे ना, लेकिन लगता है तुम तो सब करते हो, करते हो ना, जैसे बच्चों को भी इसी लाइन में लगाओ। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ मेरे पीछे पीछे कीर्तन कर लो, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोले गोविंद Thank you.
जो भगवान का नाम लेते हैं ना उनका तीन काम हो जाता है। कितना काम होता है? तीन काम। क्या क्या? पहला यमराज जी अपने इष्ट से नाम पाते हैं। हाँ, खाली हो जाते हैं। देखो ये शास्त्र कहता है जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करता है पहला काम होता है जब महाराज जमपुरी में चित्रगुप्त को बुलाते हैं। ये चित्रगुप्त होता है कौन? चित्र मतलब होता है फटो और गुप्त मतलब होता है छुपा करके। हम जीवन में जो कुछ कर्म करते हैं इस सब के सब रिकॉर्डिंग ऊपर हो रहा है। क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है। जब मरने का बाद ना ये चित्रगुप्त सारे कॉपी पड़ता है हम जीवन में हमने क्या क्या कर्म किया इस सब के सब निकलता है। आप बोलोगे सब बेकार बात है, ये सब झूठ मूठ का शास्त्र बेच लेके गया। देखो आप देखना एक पिता की तीन बच्चे, कितना बच्चे? तीन। लेकिन आप तीन बच्चों का स्वभाव देखूंगा अलग अलग स्वभाव है ना। एक बच्चा इतने इंटेलिजेंट है इतने पैसा कमाता है वो पैसा कहाँ रखेगा सोच नहीं पाता है। और एक बेटा के पास में पैसा नहीं। एक बेटा देखना इतने इतने सील स्वभाव इतने अच्छा है। एक बेटा को देखना इतने उग्र स्वभाव देखना एकदम सब चीज में देखोगे अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? हमने जैसे कर्म किया है वो कर्म के अनुरूप ये फल को हम भोग कर थोड़ी सी भी दर-दर नहीं होता है। इसलिए उनका नाम धर्मराज। धर्मराज मतलब क्या? जो तराज पे नाप करके अपना कर्म का फल को जो देते हैं। ये चित्र देखो भगवान के नाम जप से कितना महिमा। जब कोई प्रभु का नाम जप करते हैं चित्रगुप्त को जब महाराज बुलाते बोले इधर आ जा बोले क्या बोले रजिस्टर निकाल और रजिस्टर से इसका जो नाम को काट दो। तो मतलब ये कभी अभी जमपुरी में नहीं आएगा क्योंकि वो व्यक्ति भगवान के नाम जप कर रहे हैं। ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। इसलिए श्री हैं कबीर दास नाम सुने होंगे। ये कबीर दास खुद कहता है बोले जगत में मरने में सब जग डरे। सारा दुनिया मरने के लिए डरता 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 कि नहीं। अभी कोरोना आ गया था सब छुप गए थे ना घर से कोई निकल रहे थे कोई कोरोना से कोई घर से निकल रहे थे कोई घर से निकल नहीं रहे थे घर से हैं मर जाएंगे मर जाएगी। लेकिन कभी कहते हैं मेरा मन तो खुश हो रहा है। बोले क्यों? दुनिया मरने के लिए डरता है तो खुश हो रहा है क्यों? देखो कितनी बड़ी बात कहते हैं। बोले कब मरी हो कब बैठी हो परमानंद। कबीर जी कहते हैं इसलिए मैं सुखी हो रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ जिंदगी भर प्रभु का मैं नाम जप करता ठाकुर जी का मैं भजन करता मेरे को पता है गारंटी है मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था होगी। इसलिए अंतिम समय में इसलिए कहते हैं ना राम नाम सत। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा हाँ बाज लगाऊ गली गली राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊ गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे उस माला माल हुए और माया के जो बने पुजारी आखिरों का। इसलिए कबीर कहते हैं लेकिन हम मरने के लिए क्यों डरते हैं? देखो कारण क्या? कोई मरना चाहते हो? मरने का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कहते मरते समय जीव को इतने कष्ट उठाना पड़ता है जब आत्मा शरीर से निकलती और किसी किसी लोगों को देखो साल साल तक बिस्तर में पड़े रहते हैं उसमें टाटी पेशाब मन नरक का अवस्था भोग करते हैं।
नर्क जी फिर से। और मरते समय शास्त्र में बताया एक बिच्छू किसको काट देना, इतने तड़पड़ा था कहते 10,000 बिच्छू जब एक व्यक्ति को एक साथ में काटता है, जब ये शरीर से प्राण निकलती इतने कष्ट होता है। ये हमारे जन्म जन्मांतर के अनुभूति। अगर कहीं बकरी बन जाए जिंदा जीता तो चमड़ा उतार लेते हैं, मुर्गा बन जाए देखता है कैसे मुर्गा को टांग लटका कर ले जाते हैं और पूरा जैसे कपड़े निचोड़ तो गले को ऐसे। हमने ये सब मरते मरते आए और मरते समय बड़ा कष्ट होता है, ये अनुभूति हमारी अंदर में बैठी हुई है। इसलिए मरने का नाम सुनते हम घबराते, भैया हम नहीं मरेंगे। तभी कोरोना आया, क्या हो गया, घर से क्यों नहीं निकल रहे थे, मर जाएंगे मर जाएंगे। कुछ लोग तो अपने बाहर आता टकर मर गए, कुछ लोग तो छत के ऊपर से गिर कर मर गए, शायद मेरे को कोरोना हो गया। कुछ लोग तो वही से बीमार था कोरोना शायद हो गया है, कोरोना शायद हो गया, इतने इतने घबरा गए, इतने घबरा गए शायद मेरी कोरोना हो गई है। लेकिन यहाँ पर कहते शास्त्र कहता है जो भगवान के नाम जप करते हैं वो डरते नहीं है, वो पता है ना प्रभु का भजन कर रहा हूँ मेरे साथ में माल ही माल जाएगा कि जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम जप की। इसलिए पहला काम किया नर्क जाना नहीं पड़ेगा, वहां से काट देते जबपुर नहीं जाओगे। दूसरा काम किया बोले वृंदावन में राधा रानी अपना सहेल को बोला सखी को बोले रजिस्टर ले आ, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम को तुम लिख दे, इसलिए बोले भगवान का भजन कर रहा है ना अभी मेरे पास में आएगा ठाकुर के पास में जाएगा। तीसरा काम है ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू करते, बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति ठाकुर का नाम जप कर रहे हैं ना, ये भूर भूव मोह जब सारे लोग को पार करते हुए जाएगा ब्रह्म लोक को, मैं उसको आरती उतारूंगा, उसको मैं आरती। इतना लाभ है जो भगवान के नाम जप करते हैं, इतने लाभ है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे नाम को कौन कर सकता है, बोले सभी नहीं कर सकते। कहते जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम, जिसने 100 जन्म तक पहले भगवान की सेवा पूजा करके आए है कहते वही मेरे नाम कर सकता है। इसलिए जब नारद जी जब वाल्मीकि को बोले पहले दशरथ ना करता उसको बोले बोलो राम बोला बोलो बोलो, लेकिन उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला, बोले क्यों, वो पापी था ना, कहना पापियों को मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलेगा। दिन भर बैठी करके इधर उधर की बात करते रहेंगे, बोले तो थोड़ा प्रभु का नाम जप करो, बोले समय कहा है, समय कहा है भजन करने की, कारण क्या है, जो पाप है ना ये हमारी। सूरदास जी कहते हैं कभी जो भगवान का जो नाम है ये पूर्व जन्म में पाप रहेगा तो प्रभु का नाम को नहीं सुहाएगा, प्रभु का नाम में उसकी रुचि नहीं होगी है। इसलिए कहते जो पुण्यात्मा क्या कहते उसमें, पूर्व जन्म के पाप सो हरी चर्चा ना सुहाए, नाम जप करना सबके सब समय को बर्बाद नहीं करनी, ठीक है ना। भगवान नाम जप करने का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। इसलिए सबके सब मेरे पीछे पीछे ताली बजाते हुए क्या करो, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि 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 हरि
जब शादी होता है ना, बीच रोले में शराब पी पी करके गंदी गंदी फिल्म के ऊपर नाचते हैं। और अब तो घर में कोई शादी जाती हो ना, उल्टा पुल्टा डिस्को डांस लगा करके और उसमें पीछे लगा कर नाचते हैं। और मेन रोले में तो पी पा कर नाचते हैं। एक रात पूरा नाचते हैं शादी से पहले, डीजे लगा के, और शादी से पहले डीजे लगा कर भगवान का कीर्तन में नाच लो ना, तो ये दुख रूपी नाचना नहीं पड़ेगा। देखो संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो नाच नहीं रहा, कोई बता सकते जो नाचता नहीं। कोई पैसा को सामने नाच रहा, कोई बेटा को सामने नाचता है, कोई बेटी को सामने नाचता है, कोई परिवार सब सभी नाच रहे हैं। नहीं तो ये 84 लक्ष्य में तो दुख रूपी नाच में नाचते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में नाचो नाचना करे बस, सब नाचना बंद हो जाएगा। हाथ उठा कर सब हाथ उठा बोले हरी बोल हरी बोल। Thank you.